नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन तटस्था वक्र विश्लेषण, जिसमें हम पहले आपको बताते हैं उपभोक्ता संतुलन क्या है। जो हमारा ये है, तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, जब एक उपभोक्ता की आय दी हुई होती है और बाजार की कीमत दी हुई होती है, तब एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को जब अधिक प्राप्त करता है, अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करने के बाद, तो वो हमारा होता है उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन में एक उपभोक्ता जब तक अपने मूल बिंदु पर नहीं रहेगा, जब तक वो अपनी संतुष्टि का अधिक से अधिक स्तर प्रदान नहीं कर पाएगा। उसके बाद तटस्था वक्र आता है कि तटस्था वक्र हमारा क्या है। तो तटस्था वक्र जो दो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि एक हुई हमारी सेब और एक हुई हमारा केला, इन दो वस्तुओं की जो विभिन्न मात्राएं होती है, उन्हें तटस्थ पे यानी कि एक ग्राफ पेपर पे ऐसे करके हमें समझाता है कि इसकी जो विभिन्न मात्राएं हैं आपस में किस प्रकार प्रकट करेंगे। ऐसी हमारा तटस्था वक्र उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता यही है कि जो तटस्था वक्र होता है उसका ढलाव होता है कैसे होता है, नीचे की ओर होता है ऐसे, ठीक है। दूसरा इसका है कि जो तटस्था वक्र होता है वो मूल बिंदु के नातेदार होता है, यानी कि एक उपभोक्ता कहां रहकर अपना उपभोग करेगा, इस मूल बिंदु पर रहकर। तो ये हो गई हमारी मूल बिंदु पर रहकर, ये क्या हमारा नीचे की ओर ढलाव रहता है। तो पहला तो हमारा हो गया कि उपभोक्ता जब हमारा तटस्था वक्र होता है उसका जो ढलाव होता है नीचे की ओर होता है, दूसरा वो मूल बिंदु की ओर नातेदार होता है, तीसरा आता है कि जैसे जैसे हमारे तटस्था वक्र के ऊपर ये लाइन आती रहती है, ये लाइन होती है हमारी बजट रेखा। तो ये बजट रेखा के ऊपर जब ये लाइन हमारी जैसी जैसी बढ़ती जाती है, वो हमारा दिखाता है कि ये संतुष्टि के ऊंचे स्तर प्रदान कर रहा है। क्योंकि एक देखो, अब एक है तो यहाँ पे है, जब उसने ज्यादा वस्तु को उपभोग करा, थोड़ा ऊपर गया, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है संतुष्टि के अधिक यानी कि ज्यादा स्तर प्रदान करना। तीसरा उसके उधर रहता है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है ऐसे, ये गलत है, कभी भी जो तटस्था वक्र है एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। चौथा हो जाता है कि जो हमारा एक्स अक्ष रहता है ये और वाई अक्ष होता है ये, कभी भी ये एक दूसरे को छूते नहीं है, वो इतने डिस्टेंस पे रहते ही है। तो हमारे तटस्था वक्र की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। अब है हमारा बजट समूह और बजट रेखा। तो ये बजट समूह क्या है हमारे लिए, ये बजट समूह होता है कि एक उपभोक्ता अपने इस बजट को किस रूप में देखता है, किस लिए निकालता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं बजट समीकरण। क्या होता है हमारा बजट समीकरण। दूसरा हमारा बजट रेखा। तो बजट समूह की पहले बात करते हैं, तो बजट समूह के अंदर क्या होता है कि उपभोक्ता कितनी वस्तुओं का उपभोग करेगा या उसकी आवश्यकता या संतुष्टि कितनी वस्तुओं से होगी, वो तो हमारा बजट समूह में आएगा। अब बजट रेखा में आता है, तो बजट रेखा में क्या होता है कि हमारी जो दो वस्तुएं दी होती हैं उनकी विभिन्न संभावनाओं को यह आपस में प्रकट करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो बजट समूह हो गया हमारा इस प्रकार हो गया, बजट रेखा हमारा किस प्रकार हो गया कि वस्तु एक और वस्तु जो दो होती है उसकी विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करता है। अब आता है हमारा उपभोक्ता संतुलन तटस्था वक्र विश्लेषण। देख हमारा उपभोक्ता का संतुलन के लिए हम एक बना देते हैं, इसके अंदर वक्र बना देते हैं, ये हमारा एक्स वाई एक्स, ठीक है। उसके बाद ये होती है हमारी लाइन बजट वाली, इसको नाम देते हैं कुछ भी, ठीक है, पी इसको दे देते हैं, क्यू इसको दे देते हैं। उसके बाद आई सी को देते हैं, इसको आई सी, इसको वन देते हैं आई सी थ्री, ठीक है, इनका नाम दे दिया हमने। अब इसके बारे में देखते हैं उपभोक्ता संतुलन तटस्था वक्र विश्लेषण की सहायता से, ये 100% पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें आशा है 99% मान लो आप इसको,
99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से, सिर्फ अकेला ये, या फिर तटस्थ वक्र उसकी विशेषता है। तो इसके अंदर है तो कैसे प्राप्त होगा, ये होती है हमारी संतुलन बिंदु या मूल बिंदु, क्योंकि उपभोग का संतुलन होता है मूल बिंदु की नातेदार होता है, हमने यहां पढ़ा था। तो ऐसे ही इसके अंदर एक उपभोक्ता जो है अपना संतुलन कैसे प्राप्त करेगा इसके अंदर बताना है हमें। तो एक उपभोक्ता आईसी वन पर रहकर, यानी कि जो हमारा ए रखा है हमारा आईसी वन जो है, इस बिंदु पर रहकर एक उपभोक्ता जो है अपना संतुलन प्राप्त करेगा। अच्छा, अब हमने बताया था कि जितना ऊंचा हमारा तटस्थ वक्र जाएगा संतुष्टि के ऊंचे स्तर प्रदान होंगे, लेकिन इसके अंदर अगर उपभोक्ता यहां पर जाता है, अगर यहां पे जाता है तो वो संतुष्टि के स्तर प्रदान नहीं कर पाएगा, वो अपनी संतुष्टि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्च मूल्य यानी कि ज्यादा मूल्य वाली वस्तु है जो कि उसके संतुलन से अलग है, इससे नीचे वह जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे संतुष्टि के स्तर कम प्रदान होंगे, इसलिए वह आईसी वन पर रहकर वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेगा, जिससे ताकि उसके जो है संतुष्टि अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो यह हमारा चैप्टर नंबर 4 ही खत्म होता है।